जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह चौहान और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य फोर्स एकेडमी में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है यहाँ पर, आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका सौर मंडल से। सौर मंडल से संबंधित यहाँ पर हम लोग टॉप 80 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करने वाले दोस्तों, 80 प्रश्न हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपके सामने कुछ यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहे हैं ग्रह का। दोस्तों सौर मंडल होता क्या है? तो सूर्य के आसपास दोस्तों, ये जो सूर्य आपको दिखाई दे रहा है, तो सूर्य के आसपास चक्कर लगाने वाले जितने भी ग्रह हैं और आकाशीय पिंड है दोस्तों, उन तमाम को क्या कहते हैं दोस्तों? तो वही सौर मंडल कहलाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और वे सभी एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बंध के कारण एक दूसरे से दोस्तों तो कनेक्ट रहते, जुड़े रहते। क्लियर है यहाँ तक? तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए, अब देखते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और उसके बाद जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पहला दे रखा है यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला दे रखा है कि सौर मंडल में कितने ग्रह दोस्तों? टोटल तो 8 ग्रह हैं। क्रम याद रखिएगा जो सूर्य के नज़दीक से यहाँ पर शुरू हो रहा है। पहला है बुध, दूसरा है शुक्र दोस्तों, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल, पाँचवा है बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, फिर है शनि, फिर है अरुण, और आखिरी में जो आता है दोस्तों वो है आपका वरुण। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ तक आपको जो है इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि सौर मंडल में नोवा ग्रह जो है दोस्तों प्लूटो था, लेकिन वैज्ञानिकों ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है क्योंकि वो बहुत ही छोटा है और इसीलिए इसे बोना ग्रह बोला गया है दोस्तों। क्या बोला गया है? बोना ग्रह। क्लियर है? तो यहाँ तक ये भी आपको याद रखना है। अगली चीज़ आती है दोस्तों यहाँ पर कि ग्रहों के उपग्रह भी होते हैं जो अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं दोस्तों, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। तो जितने भी ग्रह होते हैं ना दोस्तों, उनके उपग्रह होते हैं जो उनकी परिक्रमा करते हैं दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, सूर्य हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। क्लियर है? उसके बाद है सूर्य मिल्की वे के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है, तो ये भी याद रखना है। मिल्की वे के चारों ओर घूमने लगा वक्त 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है दोस्तों, तो याद रखना है, ठीक है ना। सूर्य जो है अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है दोस्तों। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, तो ये आपको बताना है। अगला है हमारा सौर मंडल करीब 4.6 बिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आया था दोस्तों, तो ये आपको समय याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों इंपॉर्टेंट कि सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है दोस्तों, याद रखिएगा। कितना गुना है? 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से, तो याद रखना है। ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपका बुध। क्लियर है? उसके बाद है सूर्य का व्यास 13,92,000 है किलोमीटर है, और पृथ्वी का जो व्यास है दोस्तों वो 11,000 जो इसका है ना दोस्तों, तो 11 लाख गुना बड़ा ज़्यादा है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए उसके बाद दे रखा है आपको कि बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल, इन पांचों ग्रहों को जो है हम खुली आंखों से देख सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। कौन कौन से हैं? तो बुध है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है, और दोस्तों कौन सा है? मंगल है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको पाँचों के पाँचों याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। एक बार फिर देख लेते हैं, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल, इन्हें हम पाँचों को खुली आंखों से देख सकते हैं दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ दे रखा है आपको शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ऐसा क्यों है दोस्तों? तो यहाँ पर जो है 96% जो है ना दोस्तों CO2 पाई जाती है दोस्तों, इसीलिए इसको जो बोला गया ना सबसे गर्म ग्रह बोला गया। क्लियर है? चलिए उसके बाद है आपका दोस्तों कि सूर्य में 71% जो है परसेंट वो हाइड्रोजन गैस है, और 26.5% जो है दोस्तों हीलियम गैस है, और 2.5 जो है दोस्तों अन्य तत्व उपस्थित है। तो यहाँ पर सिर्फ ये याद रखना है कि उसके केंद्र में दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम गैस उपस्थित होती है, पाई जाती है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हल्के में कतई ना ले। अगला, सौरमंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड की को एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए हैं, तो ये मैं आपको वीडियो के शुरुआत में बता चुका हूँ। उसके बाद है सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है दोस्तों, तो याद रखिएगा आप ये भी चीज़। अगला है यहाँ पर सौरमंडल में पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, कौन कौन सी? एक है परंपरागत ग्रह, दूसरे है बोने ग्रह, और तीसरा है दोस्तों आपका लघु सौरमंडल पिंड, ठीक है। तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अगला है परंपरागत ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण आते दोस्तों। कितने हैं यहाँ पर? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दोस्तों, ठीक है ना। तो ये परंपरागत है, तो ये आपको याद रखना है ग्रह, ठीक है दोस्तों। तो ये क्रम से दे रखा है। उसके बाद है यहाँ पर आपके बोने ग्रह कौन कौन से दोस्तों? तो प्लूटो है, एरिस है, सेरस है, माके और होमिया है, ठीक है ना दोस्तों। तो याद रखना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 कितने दोस्तों? 5 है, ठीक है ना। तो प्लूटो,
एरिज, सिरस, माके माके और होमिया। तो पांच ग्रह जो है दोस्तों आपके यहाँ पर बोने ग्रह हैं, ये आपको याद रखने क्लियर है। चलिए तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है आपके टॉप 80 क्वेश्चन जिसकी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि सौरमंडल से जुड़े 80 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, तो चलिए आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी दोस्तों। तो चार ऑप्शन है, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, कोपरनिकस ने जो है दोस्तों सौरमंडल की खोज की थी, क्लियर है। दूसरा देखें, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है दोस्तों। तो शुद्ध ग्रह, धूमकेतु, ग्रह निहारी का आपको चार विकल्प दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही जवाब है दोस्तों। अगला है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, 89 जो है आपके यहाँ पर तारामंडल है दोस्तों, और सूर्य जो है एक तारा है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा कहलाता है दोस्तों इनमें से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, लुब्धक है, ये आपके यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वो इनमें से कौन है दोस्तों। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर कोपरनिकस ही आपका सही जवाब हो जाएगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, देखिए टॉप पे उपस्थित है नॉर्वे, तो ये आपको याद रखना, आप ग्लोब में देख सकते हैं, ठीक है। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर 21 जून जो है आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला है, सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है दोस्तों। तो खगोलीय दूरी किसके बीच की दूरी को कहा जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 8, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है दोस्तों। तो मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है दोस्तों, यहाँ पर आपको चार विकल्प दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना ही मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ कहलाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9, कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको करवाया है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 71%। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, माफ़ कीजिए ऑप्शन नंबर डी सूर्य सही जवाब है, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, ठीक है। अगला है, सौर्य पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है दोस्तों, सौर्य पृष्ठ के ऊपर दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है, 6000 सेंटीग्रेड, ठीक है दोस्तों, सेल्सियस। यहाँ पर आपका 12वां, की सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत पाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीलियम उपस्थित होता है दोस्तों हाइड्रोजन के साथ साथ, 26.5% इसका सही जवाब है। तो ये भी हम लोग देख चुके हैं। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितने मिनट का समय लेता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, 8.3 मिनट का समय। अगला है प्रश्न नंबर 14, के सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका बुध जो है दोस्तों, यहाँ पर सबसे करीब है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। कहने का मतलब है कि जो बुध है वो पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है वो कितने समय में लगाता है, तो 88 दिनों में, और अपनी जो जगह पर परिक्रमा, अपनी जगह पर जो घूर्णन करता है, घूमता है बुध ग्रह, वो कितने समय में, तो 58 दिन में दोस्तों वो उसको पूरा करता है, 58.2% लगभग ऐसा है आपका। अगला है, 16वां, के निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर दे रखा है आपके कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये आपको बताना है जिनके उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बुध तथा शुक्र का उपग्रह नहीं है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। 17वां, के निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है दोस्तों। तो कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए बुध ग्रह याद रखिएगा। अगला है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा दोस्तों, सूर्यमंडल का कौन सा ग्रह है जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह जो है दोस्तों, वो आपका पृथ्वी के बराबर है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा दोस्तों, जैसे मैंने बोला सर्वाधिक मात्रा में वहाँ पर जो है CO2 गैस पाई जाती है। और लाल ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
अगला है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह कौन सा दोस्तों। अब बात कर रहा है किसकी, पृथ्वी की, तो जल्दबाजी ना करें। पहले बात कर रहा था सूर्य की तो बुध था, यहाँ पर जो है पृथ्वी की बात कर रहा है दोस्तों, तो शुक्र ग्रह यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 21वां, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है दोस्तों, तो किस एक को भोर का तारा कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, शुक्र ग्रह। अगला है सुपरनोवा है एक दोस्तों, तो सुपरनोवा क्या है दोस्तों, एक तो एक मृत प्राय तारा है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि सुपरनोवा क्या है, तो एक मृत प्राय तारा है दोस्तों, तो याद रखिएगा। अगला है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही जवाब हो जाएगा, रॉबर्ट पियरी ने की थी दोस्तों। अगला है साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था दोस्तों इनमें से, तो ऑप्शन नंबर डी एमंड सेन आपका सही जवाब हो जाएगा। 25वां, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं चारों, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है दोस्तों, इसलिए हमें दिखाई देता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और सूर्य का जो है दोस्तों, तो पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ये भी हमने पढ़ ले लिया है। अगला है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर पृथ्वी को, यानी ऑप्शन नंबर ए को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला है पृथ्वी स्थित है दोस्तों, तो कहाँ पर स्थित है, तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है शुक्र एवं मंगल के मध्य में, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य में, और शुक्र एवं बृहस्पति और बुध एवं शुक्र, तो जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था दोस्तों, ठीक है, वहाँ हमने देखा था कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह जो था वो कौन सा था, बुध, उसके बाद क्रम में कौन सा आ रहा था दोस्तों आपका, तो शुक्र, फिर आपका पृथ्वी था, फिर आपका शनि था, ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें दे रखा था वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला, शुक्र एवं मंगल ग्रह, तो याद रखिएगा आप दोस्तों, शुक्र एवं मंगल के मध्य है पृथ्वी स्थित, तो ये आपको याद रखना है। अगला है 28वां, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया, किस दिन सबसे निकट होती है पृथ्वी सूर्य के, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। 3 जनवरी को जो है दोस्तों पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है, 3 जनवरी को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होती है दोस्तों, तो निकटतम बोले दोस्तों तो आपको हो जाएगा यहाँ पर 3 जनवरी, और आपसे दूरस्तम बोले दोस्तों तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा जुलाई दोस्तों, तो 4 जुलाई को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग लगभग कितनी है दोस्तों, तो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो कितनी है दोस्तों, तो वह है आपकी ऑप्शन नंबर डी 149.6 करोड़ मिलियन वर्ग किलोमीटर जो है दोस्तों दूरी है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सूर्य पृथ्वी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला है आपका दोस्तों कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है दोस्तों, तो अपने अक्ष की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब आपका, बुध ग्रह, ठीक है। अगला है आपका यहाँ पर पृथ्वी का पूछा है, तो शुक्र है, ये हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन के चक्कर में ध्यान नहीं दे पाया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो पृथ्वी के करीब का पूछा दोस्तों, तो कौन सा तारा है पृथ्वी के करीब, तो ऑप्शन नंबर सी है सूर्य, क्योंकि सूर्य एक तारा है, बाकी सब ग्रह है, तो याद रखिएगा। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है दोस्तों, तो ये किसने कहा था कि केंद्र है सूर्य, ठीक है, तो ये आपसे पूछा, तो ऑप्शन नंबर डी कोपरनिकस ने कहा था दोस्तों कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, तो कोपरनिकस ने कहा था दोस्तों, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है 35वां, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था दोस्तों, तो पृथ्वी की परिधि को किसने मापा था इनमें से, ये आपसे पूछा गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, इरेटोस्थनीस ने मापा था दोस्तों पृथ्वी की परिधि को, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर 36वां, कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है, ये आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर 43 किलोमीटर हो जाएगा आपका सही जवाब। 37वां, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, लगभग कितना है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है 12,750 किलोमीटर, तो ये आपको याद रखना है कि पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो व्यास कितना है उसका, तो 12,750 है पृथ्वी का, तो याद रखना है आपको। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसके अक्ष पर घूमने को ऑप्शन नंबर सी घूर्णन कहते हैं। अगला 39वां, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, तो पृथ्वी किधर से किधर घूमती है दोस्तों, ये हमने अभी देखा है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब। 40वां, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है, ये आपसे पूछा है दोस्तों, तो उन दोनों के बीच में सर्वाधिक दूरी जो है ऑप्शन नंबर सी अपसौर के कारण होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पहला वाला हो चुका है सेट। अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर,
चलिए अगला दिखाई दे रहा है कि ऋतुएं निम्नलिखित में से किसके कारण होती है दोस्तों। तो ऋतुएं किस कारण होती है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण जो होता है दोस्तों, इसी कारण जो यहाँ पर ऋतुएं बदलती है, जैसे हम देखते हैं दोस्तों वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, तो ये सारी जो है ये आपको याद रखना है। अगला, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है दोस्तों, तो ये किसने कहा था पृथ्वी गोल है, तो ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, अरिस्टोटल ने कहा था दोस्तों। अगला है पृथ्वी की दूरी है दोस्तों, तो पृथ्वी की जो दूरी है दोस्तों वो कैसी है ये आपसे बोला है दोस्तों, तो यहाँ पर जो झुकी हुई है यानी पृथ्वी कैसी है दोस्तों, तो वो झुकी हुई है, ये आपको याद रखना है। अगला है किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है दोस्तों, तो पृथ्वी की तरह कहाँ पर जो है जीवन व्यतीत, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मंगल ग्रह याद रखना है। अगला है यहाँ पर एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है यानी कि समान है बराबर, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही जवाब हो जाएगा मंगल के विषय में दोस्तों। अगला है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अगला है सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है दोस्तों, तो सबसे कम समय की यदि बात करें तो बुध आएगा दोस्तों, और सबसे अधिकतम समय की बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति आएगा दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है दोस्तों, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों, इसके चारों ओर क्या है वलय है, तो याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है दोस्तों, तो नासा की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी हो जाएगा आपका बृहस्पति, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है बृहस्पति आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला है शनि ग्रह है दोस्तों, तो शनि ग्रह है दोस्तों, तो किससे ठंडा या गर्म है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून से जो है गर्म ग्रह दोस्तों, तो याद रखना है आपको कि शनि ग्रह जो है नेपच्यून से गर्म ग्रह है दोस्तों, तो याद रखना है। 51वां है, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट विलय है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है दोस्तों यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी वरुण जो है दोस्तों हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अब याद कैसे रखेंगे दोस्तों, तो आप देख लीजिए आपका कोई दोस्त है वरुण, उसको कौन सा कलर पसंद है दोस्तों, तो उसे हरा कलर पसंद है, इसलिए वो चमकता रहता है दोस्तों, ठीक है ना। उत्सर्जित होना यानी कि चमक देना, तो ऐसे याद रख सकते हैं। अगला है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है दोस्तों, तो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी ये कहाँ पर है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी कि चंद्रमा पर है। अब देखिए चंद्रमा में भी सी आता है दोस्तों, और यहाँ पर भी सी लिखा है दोस्तों, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला है बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है दोस्तों, ठीक है ना, तो बृहस्पति का जो द्रव्यमान है दोस्तों वो कितना है सूर्य के, तो सूर्य के जो है दोस्तों द्रव्यमान का 1000वां भाग है दोस्तों, तो याद रखना है, ठीक है, कि बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वो लगभग कितना है, तो वो जो है सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग है दोस्तों, तो यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि, तो ऑप्शन नंबर यहाँ हम डायरेक्ट देख लेते हैं, सी वाला है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भेज दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। अगला है यहाँ पर 56वां शुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा वो है सी वाला, पहला और दूसरा, ठीक है दोस्तों, कि शुद्ध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं, और साथ में दूसरा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि अधिकांश शुद्ध ग्रह छोटे होते हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है, ठीक है, तो याद रखना है। अगला है सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है दोस्तों, यानी सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब है। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है दोस्तों, ये आपसे पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका बी वाला, पूर्णिमा के दिन जो होता है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, कईयों भाई जो है यहाँ पर गलती कर देते हैं, अमावस्या के दिन कर देते हैं, हो जाता है कन्फ्यूजन, तो चंद्रमा जो है, चंद्र ग्रहण जो है दोस्तों याद रखिएगा ये पूर्णिमा के दिन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है सूर्य और पृथ्वी के बीच औसतम दूरी कितनी है दोस्तों, आपको दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी हो जाएगा 150×106 किलोमीटर है दोस्तों, तो याद रखना है 150×106 किलोमीटर दूरी है, तो याद रखना है आपको दोस्तों। अगला है ग्रह क्या है दोस्तों, तो ग्रह किसे कहते हैं, तो यहाँ पर ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है दोस्तों उन्हें कहते हैं हम, ठीक है दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं हम, ग्रह कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, जो टिमटिमाते नहीं है उन्हें कहा जाता है दोस्तों। अगला है निम्नलिखित में ऐसे कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह और चंद्र है दोस्तों, तो कौन से ऐसे ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं यहाँ पर दोस्तों, तो हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला है मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम क्या है जो मंगल की परिक्रमा कक्षा में गए थे दोस्तों, तो सबसे पहले कौन गया था यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी भारत आएगा दोस्तों।
अगला निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर चुनिए। तो निम्नलिखित को आकार के क्रम में घटते हुए, यानी कि आपको ठीक है, तो घटते क्रम में देखते हैं सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर हम देखते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर सी वाला हो जाएगा कि सबसे पहले कौन आएगा, आपका बृहस्पति आएगा, उसके बाद जो है आपका शनि, ठीक है, फिर उसके बाद आपका यूरेनस, और आखिरी में आएगा आपका यहाँ पर कौन, ठीक है, तो आखिरी में आएगा आपका पृथ्वी। फिर देख लेते हैं बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर यूरेनस और फिर पृथ्वी। ये आपका घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति है, और उसके बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस है, और सबसे आखिरी में कौन सा आएगा दोस्तों, पृथ्वी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला देखें, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ए हो जाएगा, शुक्र जो है दोस्तों पृथ्वी जैसा दिखाई देता है, तो याद रखना है। सूर्य के बाहतम परत को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए वर्णमंडल का, माफ़ कीजिए, सूर्य के बाहतम परत को, तो ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि वर्णमंडल कहा जाता है भारी उसको, और जो सेंटर का होता है उसे क्रीट कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं, जैसा भी पेसेट हो आप लोग सर्च कर लेना। ब्लू मून परिघटता है कब, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं कि जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो, दूसरा है जब एक ही कैलेंडर वर्ष में दो लगातार माहों में चार पूर्णिमा हो दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है, जब एक ही महीने में दो पूर्णिमा आती हो तब ब्लू मून की परिघटना घटती है, जैसे कि अभी एक दो दिन पहले हुआ था। ठीक है, याद रखना है। अगला है 67वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रह का उनके अमाप व्यास के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, तो बुध ग्रह, फिर मंगल, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी और यूरेनस से यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ जो है आपका, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 21 मार्च और यहाँ पर 21 जून, ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा कि बसंत विषुवत 21 मार्च को होता है और उत्तरी आयांत 22 दिसंबर को होता है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगला है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, केपलर ने। केपलर ने जो है सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है, ये कहा है दोस्तों, तो केपलर ने, याद रखिए। अगला है, भूपृष्ठ के 3/4 भाग में है क्या है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जल है, 3/4 भाग में जो जल है पृथ्वी पर, तो याद रखना है। अगला है, उस ग्रह का नाम बताइए जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। तो पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका, भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 150 × 106 था। उसके बाद है, विश्व के कितने धरातल में पानी है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 70% जो है पानी पाया जाता है। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य एक तारा है जैसे कि हमने पढ़ा है। 74वां है कि सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है यहाँ पर, तो यहाँ जो है आपको ऑप्शन नंबर सी वर्णमंडल है, जैसे देखिए आप लोग को सामने आ गया प्रश्न। ठीक है, निम्न से सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है यहाँ पर, तो दोस्तों गर्म ग्रह की बात आ रही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, जैसे मैंने बोला था सर्वाधिक CO2 96% वहाँ पर पाई जाती है। 76वां है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है, तो पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी है सूर्य, तो निकटतम खगोलीय पिंड पूछा है आपसे, तो यहाँ पर जो है चंद्रमा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। और ग्रह की यदि बात करें आपका, तो यहाँ पर शुक्र ग्रह आपका सही जवाब होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह दिखाई देता है लाल रंग का, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी हो जाएगा, मंगल ग्रह। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी 76 ईयर जो है दोस्तों 76 वर्ष होता है हेली धूमकेतु का आवर्तकाल, तो ये याद रखना है। ठीक है, निम्न में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं, निम्न में से किसे शुक्र ग्रह कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीनस को जो है शुक्र ग्रह कहा जाता है, तो याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, आखिरी प्रश्न आज का, कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने दोस्तों तक पहुँचा, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।